हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रांसिस टर्बाइन को डिज़ाइन और डेवलप जेम्स से फ्रांसिस के द्वारा किया गया था। जो ओल्ड टर्बाइन्स थी वो रेडियली फ्लो टर्बाइन्स होती थी, जिनके अंदर जो वाटर है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एंटर करता था और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्चार्ज होता था। जो आजकल की जो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन्स है वो मिक्स फ्लो टर्बाइन्स हैं, जिनमें वाटर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एंटर करता है और एक्सियल डायरेक्शन में उसका डिस्चार्ज होता है। फ्रांसिस टर्बाइन्स मीडियम हेड टर्बाइन है, जिनका हेड वेरी करता है 10 मीटर से 650 मीटर के बीच में। फ्रांसिस टर्बाइन मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन है, जिनकी स्पीड वेरी करती है 83 टू 1000 आरपीएम के बीच में। फ्रांसिस टर्बाइन मीडियम डिस्चार्ज टर्बाइन है। इस डायग्राम में फ्रांसिस टर्बाइन का सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। एक स्पायरल केसिंग है जिसमें पेनस्टॉक को जोड़ा जाता है, जहाँ से वाटर का इनलेट होगा। स्पायरल केसिंग के साथ एक स्टीयरिंग भी जुड़ी रहती है, जहाँ पे स्टेप वेन्स जुड़े रहेंगे। स्पायरल केसिंग के अंदर गाइड वेन भी जुड़े रहेंगे। गाइड वेन्स वाटर गाइडिंग डिवाइस से कनेक्टेड रहेंगे। वाटर गाइडिंग डिवाइस ऑपरेटिंग रिंग के साथ कनेक्टेड रहेगा। ऑपरेटिंग रिंग की हेल्प से हम गाइड ब्लेड्स को एक डिजायर्ड एंगल के ऊपर मूव करते हैं, ताकि रिक्वायर्ड फ्लो ऑफ लिक्विड को हम ऑब्टेन कर पाए। मेन शाफ्ट के साथ टर्बाइन का रनर जुड़ा रहेगा। लिक्विड की एंट्री टर्बाइन के ब्लेड के ऊपर होगी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका डिस्चार्ज एक्सियल डायरेक्शन में होगा टेल रेस की तरफ। उसका डिस्चार्ज होगा, जिसको हम ड्राफ्ट ट्यूब की हेल्प से अचीव कर पाए। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन, फर्स्ट कंपोनेंट है पेनस्टॉक। एक पेनस्टॉक एक लार्ज डायमीटर की पाइप होती है, जो कि डैम को और टर्बाइन के इनलेट को कनेक्ट करती है। स्टील की बनी होती है। स्पायरल केसिंग और स्क्रोल केसिंग, यह एक डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया की एयर टाइट केसिंग होती है, जो लिक्विड को कैरी करती है पेनस्टॉक से और टर्बाइन के रनर तक। इसका जो डिक्रीजिंग एरिया है वो एक कॉन्स्टेंट फ्लो रेट को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, और इससे हम स्पायरल केसिंग की हेल्प से इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को हम ऑब्टेन करते हैं गाइड ब्लेड के चारों तरफ। और इसका जो मटेरियल है कास्ट स्टील, प्लेट स्टील और कंक्रीट एंड स्टील, इससे हम इसको बनाते हैं। और स्पायरल केसिंग एडीज फॉर्मेशन को भी अवॉइड करती है। पेनस्टॉक और स्पायरल केसिंग को डायग्राम में दिखाया है। गाइड मैकेनिज्म, गाइड मैकेनिज्म में स्टे वेन्स होते हैं, जिनको हम फिक्स ब्लेड भी बोलते हैं। एक स्पीड रिंग होगी, जिसकी हेल्प से स्टे वेन्स को फिक्स कर दिया जाएगा। जो वाटर है स्क्रोल केसिंग में एंटर करने के बाद काफ़ी स्पीड से स्टे वेन की तरफ मूव करते हैं। ये पार्शियली प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी करते हैं। गाइड ब्लेड्स एक पाइवट सेंटर के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। ये रनर के पेरीफेरी के चारों तरफ प्रोवाइड किए जाते हैं। इनका जो शेप है एरोफॉइल शेप होता है। गाइड ब्लेड को हम किसी भी एंगल के ऊपर ओपन कर सकते हैं, और इनके बीच की जो विड्थ है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड को टर्बाइन के रनर के ऊपर स्ट्राइक कर पाएं। और इनमें पार्शियली प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी में। गाइड ब्लेड्स कोऑपरेट करने के लिए सर्कुलर गाइड व्हील का यूज किया जाता है। गाइड ब्लेड्स एडजस्टेबल ब्लेड्स होते हैं, जो फॉलो करते हैं रनर। टर्बाइन का जो रनर है उसमें जो ब्लेड अटैच होते हैं उनको मूविंग ब्लेड्स बोलते हैं। ये कर्व्ड शेप में होते हैं, जो 16 to 24 नंबर्स होते हैं इनके। इम्पल्सिव और रिएक्शन फोर्सेस एक्सर्ट होती है फ्लोइंग वाटर के द्वारा रनर के ब्लेड के ऊपर। इनमें जो वाटर है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एंटर करता है और एक्सियल डायरेक्शन में डिस्चार्ज करता है। कास्ट आयरन, ब्रोंज, स्टील का यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए। रनर को टर्बाइन की शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब एक इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब होती है, जिसका एक एंड टर्बाइन के एग्जिट से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड टेल रेस में सबमर्ज रहता है। टर्बाइन के एग्जिट के ऊपर वाटर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी कम हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे नेगेटिव और सक्शन प्रेशर हेड बन जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ हम जो वेलोसिटी एनर्जी है जो अदरवाइज लॉस हो जाती है उसको हम रिकवर करते हैं और प्रेशर एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब कैविटेशन की प्रॉब्लम को भी कम करने में हमारी हेल्प करती है।
दिस इज ऑल अबाउट फासिस्ट टर्बाइन। थैंक यू।